ये लीजिए मैडम पानी। सुरेश, सुरेश, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? सुरेश ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। ये क्या हो रहा है? अंदर एक आदमी है, वही ये सब कुछ कर रहा है। आदमी? ठीक है मैडम, मैं देखता हूं। मैडम यहां तो कोई नहीं है। बचाओ मैडम, बचाओ, मेरा नाम। मैं सच कह रही हूँ, जैसा कि माधुरी ने बताया था, अलमारी में से एक बहुत ही डरावना आदमी बाहर निकलता है। अलमारी में से? हाँ, और उसने मेरे सामने सुरेश को अलमारी के अंदर खींच लिया, फिर अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और उस पर तुम्हारा नाम लिखा आया। ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम तब होश में तो थी, तुमने कुछ लिया तो नहीं, कोई मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स वगैरह? मनीषा मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो और देख लो, या फिर मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मुझे क्या पता हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा तुम्हें नहीं तो और किसे पता होगा, वो तुम्हारा घर है। लिसन, वो कंपनी का गेस्ट हाउस है, हम लोग कभी कभी छुट्टियां बिताने वहां जाया करते थे, शहर से थोड़ा दूर है, एक अच्छा बड़ा गार्डन है, इसलिए मैंने तुम लोगों का रहने का इंतजाम वहां कर दिया। अब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। कमाल की बात है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम उस घर में रह चुकी हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो मनीषा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, उस अलमारी पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, कोई तो बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? विक्रांत ने कहा कि वो मेरी हेल्प करने के लिए यहां आया है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ये तुम्हारे दिमाग का वहम भी तो हो सकता है, वरना किसी और ने मेरा नाम लिखा हुआ देखा है क्या? बोलो मनीषा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दो आदमी गायब हो चुके हैं और विपिन भी तो इसी तरह। जस्ट शट अप, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। गेट आउट। हेलो, मेरे ख्याल से ईरा को कुछ पता चल गया है। ठीक है, मैं वहां जा रही हूं। अब इस ईरा का कुछ इलाज करना पड़ेगा। मिनी, विक्रांत कहाँ है? वो तो अभी भी बाहर चले गए हैं। क्या? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं, क्यों? थोड़ी देर पहले एक आदमी विक्रांत सर से मिलने आया था, वो कह रहा था कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। कौन आया था? मालूम नहीं कौन था, मुझे लगा शायद आपके घर का नौकर होगा। क्या, ये कैसे हो सकता है? चंदन गायब है और सुरेश को अलमारी ने मेरे सामने अंदर खींच लिया था, तो यहाँ नौकर होके कौन आया था? कहीं विक्रांत किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भगवान, मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। विक्रांत कहाँ गए कुछ पता है? नहीं मैम। ओके, I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैंने बहुत कोशिश की उसे यहाँ लाने की, लेकिन वो नहीं मानी। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
विक्रांत, 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 प्लीज, प्लीज मेरा विक्रांत मुझे लौटा दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रांत, विक्रांत, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो मेरा विक्रांत ही नहीं ना, तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी। ये क्या? अलमारी के अंदर अलमारी? ये क्या है? खोल के देखते हैं। तहखाना है, देखती हूँ क्या है। मदद करो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझसे बचना चाहती हो तो मेरी मदद करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मदद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चंदन, सुरेश, तुमने इन दोनों को भी मार डाला। तुम हम सबको मार डाला। नहीं, मैं मजबूर हूँ। सब समझते हैं कि मैं खुद गायब हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। मैं इतना डर क्यों रही हूं? मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। इसमें डरने की क्या बात है? उस रात जिस तरह उस लाश को मैंने अलमारी के पीछे ठिकाने लगाया था, उसी तरह ईरा की लाश को भी ठिकाने लगाया। और आज रात, आज डरने से काम नहीं चलेगा। आज तो काम खत्म करना ही होगा। Thank you.
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने विक्रांत को मार डाला? ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पति को मार डाला? जैसे तुमने अपने पति को मार डाला। नहीं, नहीं, तो मेरा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती। अपने पति को नहीं पहचानती? नहीं, नहीं, हीरा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम बच नहीं सकती मनीषा। बस, बहुत हो गया। तुम ये बात नहीं छुपा सकती कि तुमने अपने पति विक्रांत का खून किया है। और तुमने मेरा खून क्यों किया था? अच्छा, तो तुम ये भी जानती हो? तो सुनो, मैं और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो तो तुम्हारे डैडी की वजह से विक्रांत को तुमसे शादी करनी पड़ी। हम मजबूर थे, क्या करते? फिर हमने प्लान बनाया, विपिन को अपने रास्ते से हटाने का। हमने उसे मार के यहां छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम जानती हो विक्रांत तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? ताकि वो तुम्हें वैसे ही खत्म कर सके। लेकिन अफसोस, वो तो ये काम नहीं कर सका, मुझे ही पूरा करना होगा। विक्रांत ने मिलकर मुझे मारा था। ये दोनों नौकर भी मिले हुए थे ना तुम्हारे साथ। देखा क्या हाल हो गया इनका? मैं जानता था हीरा को तुमसे खतरा था, और तुम एक न एक दिन लौट कर जरूर आओगी, और तब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। मैंने इसको इसकी सजा दे दी, और अब तुमको भी कोई खतरा नहीं। और आज के बाद मैं भी तुम्हें परेशान करने के लिए यहां नहीं रहूंगा। गुड बाय।